तो ये है दोस्तों जिसके मैं बात करता था, ये है अफगानी रेस्टोरेंट का, काफ़ी नाम सुना है। एरिया थोड़ा सा साफ अच्छा नहीं है। अभी ना यहाँ पे एकदम पट्ठा सा कुत्ता है, पता नहीं हर जाने वाले आने जाने वाले बहुत करता रहता है। एग्रेशन तो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने जा रहा है वो। ये गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज फाइनली इतने टाइम बाद एक छुट्टी मिली है, तो सोच रहा हूँ शाम को कहीं ना कहीं घूमने जाऊँ। अरे नहीं घूमने नहीं है, सब तो मेरी क्लासेस है, फ्रेंच क्लास। तो एनीवेज मैंने सोचा मेरा ड्रोन है, ड्रोन उड़ाने का मन था मेरा, और खुली जगह कोई मिल नहीं रही थी। फिर मुझे अचानक ध्यान आया कि जहाँ से मैं रेगुलरली चल के जाता हूँ वहाँ पर जगह ही जगह है, जैसे आप देख सकते हैं। यही दिक्कत है, पेड़ बहुत है, कहीं को अगर ड्रोन क्रैश हो गया तो क्रैश हो गया। बट लेकिन जो भी हो, कुछ खाली इलाका भी पड़ा है, तो वहाँ चाहे तो हम उड़ा सकते हैं। एनीवेज एक ठंड काफ़ी कम हो चुकी है, अभी मैं चेक कर रहा था दिल्ली में 12 डिग्री है और यहाँ 10 डिग्री है, थैंकफुली गॉड को। तो थोड़ी थोड़ी राहत मिली है बस, लेकिन एक और एक राहत तो मिली, लेकिन साथ में फ्री गिफ्ट मिल गया कि हमारी स्ट्राइक वापस आ रही है दोबारा, जो फ्रांस जिसके लिए फेमस है। स्ट्राइक। गर्मी में पता है इनको क्या भूत चढ़ जाता है। चलो जी, चलो जी स्ट्राइक करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना, चलो गर्मी में चलो जी शिमला चलते हैं, यहाँ होते हैं चलो जी स्ट्राइक करते हैं, ऐसी है फ्रांस का कल। एनीवेज स्ट्राइक है तो सोचा कर लो स्ट्राइक, देखी जाएगी, डराते तुम हमें। तो दोस्तों हमारे साथ पोपट हो गया, बहुत खतरनाक पल्ला। जो बस आनी थी भाई साहब, बस पीछे रुकी पड़ी है, क्यों? क्योंकि रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा था। वो तो भला हुआ एक आदमी का जो वहाँ से जॉगिंग करके आ रहा था, तो उसने बताया हम सबको कि आप लोग फिजूल खड़े हो, यहाँ बस नहीं आने वाली। तो हालांकि मैं देख रहा था इन्फॉर्मेशन टाइमिंग पे, टाइम कभी ऊपर 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 नीचे फिर ऊपर नीचे हो रहा था, मेरा कभी ग्लिच होगा, आपने ध्यान भी नहीं दिया। बट अभी पता चला कि भाई अगर आप पहले जाके जाना दूसरी डायरेक्शन में, मुझे जाना गैब्रियल पेरी की तरफ से, ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सारी यहाँ की जो बस है वो सारी बंद हो गई है। तो ऑपोजिट साइड पे जाके तीसरी बस लेनी पड़ेगी, 3 बस चेंज करनी पड़ेगी मेरे को आज 2 की जगह। चलो कोई नहीं, लाइफ है, ऊपर नीचे होता रहता है पर मेरे साथ ही हमेशा होता है, जो मर्जी कहो। मैं आ चुका हूँ फाइनली क्लास के लिए, स्पेशल पुलिस जा रही है, तो क्लास के बाद उम्मीद करता हूँ फिर से जाऊँगा कुछ अच्छा खाना ट्राई करने। आई होप पिछली बार की तरह मेरा पोपट ना हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो भैया बहुत गंदा पोपट हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम ठंड बहुत थी, -3 डिग्री कुछ टेम्परेचर था, आज तो फिर 12 डिग्री है, आज तो इतना नहीं होना चाहिए फिर भी। बट लेकिन जाने से पहले फ़ोन करके पूछ लूँगा, रिजर्वेशन ले लूँगा कि भाई मैं एक बंदा आ रहा हूँ कुकड़ सा, ठीक है मुझे आप अपने रेस्टोरेंट में जगह दो, मुझे खाना है कुछ ना कुछ, तो देखते हैं। हाँ तो क्लास स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा बचा है मेरा, और जीवन यार कसम से बहुत टफ है, जितना मर्जी क्लास में पढ़ लो तो अगले दिन जब बंदा आके भूल ही जाता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो यार प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि घर पहुँचता हूँ मैं रात को 12-1 बजे हमेशा काम के बाद। बट खैर वक्त तो निकालना पड़ेगा, ब्लॉग भी करना है, सब कुछ करना है, तो क्योंकि लोगों को लगता है कि बाहर बहुत अच्छी है, बहुत घंटा अच्छी है, बस जी लेते हैं बस जैसे जैसे करके। पता नहीं यार हाई इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स में ये लोग समय ऊपर कैसे आते हैं, पर मेरे को तो इतनी हैप्पीनेस इंडिया में दिखी थी, मतलब मेरे ओपिनियन में कहीं नहीं दिखी अभी तक मेरे को। काम वहाँ पर भी था, स्ट्रगल वहाँ पर भी थी, प्रेशर वहाँ पर भी था, लेकिन यार हम खुश रहते थे यार, शायद हो सकता है घर वाले दोस्त हो इसी चक्कर में हमें खुशी लगती हो। एनीवेज क्लास के बाद की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये है दोस्तों जिसके मैं बात करता था, ये है अफगानी रेस्टोरेंट का, काफ़ी नाम सुना है। एरिया थोड़ा सा साफ अच्छा नहीं है, तो रात को अवॉइड ही करें, खासकर कोई फीमेल अगर आ रही है तो। मैं तो बस इसलिए आया हूँ क्योंकि ट्रेन स्टेशन पास है, जल्दी से लूँगा और भाग चलूँगा, तो बस मैं अंदर जा रहा हूँ, जा के देखते हैं कैसा होगा, कैसे बनाते हैं वीडियो। फाइनली आ गए हैं बच रखे रेस्टोरेंट में, काफ़ी दोस्तों ने अफगानी भाई को रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे आओ और ऑथेंटिक आपको मिलेगा, और जलेबी भी लेकिन जलेबी भी लेता हूँ, तो ये हमारा काम कर रहा है, और देख सकते हैं कितना बढ़िया है, केस में दिखा रखा है, तो बस अभी बस खा के ले आते हैं, बताते हैं कैसे अपने भाइयों। तो भाई हमें ले लिया यार, काफ़ी टाइम लग गया बनाते हैं, मेरा पूरा देखो पूरा सैक पूरा भरा हुआ है, मैं आज के लिए और कल के लिए दोनों का ले लिया, अपनी बहन के लिए भी। तो अब बस ट्रेन आ जाए, ट्रेन यार यहाँ पे भी एक ट्रेन आएगी, वो नॉन स्टॉप ट्रेन आएगी, वो तो यहाँ से फर्रो के निकल जाएगी, उसके बाद अगली है 9 मिनट पे, और मुझे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट फिर से 1 घंटा लग जाएगा, तो भाई
जो मेरा वर्किंग टाइम ज़्यादातर होता है, मैं ज़्यादातर रात को ही पहुँचता हूँ, तो फिर से मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही हुआ। घर पहुँच के जैसे भी आपको रिव्यू बताऊँगा कि यार खाना कैसा है, क्योंकि काफ़ी इसका नाम सुना है मैंने। और मेरा मन था यार यहीं सुरप्लास मतलब प्लास पे ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का, लेकिन क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है, फिर मैं 1 बजे 1:30 बजे घर पहुँचता, तो मैं यार ये तो बहुत रिस्की है, रिस्की होती तो हम रिस्क ले लेते हैं, बिकॉज इंडियंस रिस्की आफ्टर रिस्की। तो बट करें, यहाँ पर शराब मिलती नहीं है, वो प्योर मुस्लिम रेस्टोरेंट है, अफगानी गाँव का रेस्टोरेंट है, तो कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं था वहाँ पे। बट खैर बहरहाल बस घर पहुँचने का वेट है, जैसे ही घर पहुँचाओ और टूट पड़ेगी अपने भाई खाने पे। हाँ तो फाइनली ट्रेन आ गई है और इस टाइम कैसी खाली है ना, कभी सोच नहीं सकता ये और ट्रेन भी खाली मिले। हाँ रात में चलना दोस्तों फायदा है, मैं भी चाहता हूँ जल्द से जल्द निकलूँ यहाँ से और बस घर पहुँच जाए। हालांकि ठंड इतनी नहीं है आज, 12 डिग्री इंडिया में मैं देखा, दिल्ली में ठंड जो थी 12 डिग्री थी और यहाँ पे 10 डिग्री है, तो 2 डिग्री का फ़र्क है, इतना कुछ वो नहीं है। बट स्टिल एज अ प्रिकॉशन मैं फिर भी हमेशा पैक होकर जाता हूँ, क्योंकि मसला क्या होता है, ठंड भले ही ना हो लेकिन ना हवा बहुत तेज चलती है और वो हवा फाड़ देती है अच्छी तरह, तो मैं कहें प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पहले पैकअप जाओ, मेरा सैग देखो कैसे भरा हुआ है, मन करा यार यही लेट जाओ, बट वो ये कि और ना पहुँचा दे, लोग लग रहे हैं बहुत 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 तेज। अगर ये खाना अच्छा नहीं हुआ ना भाई, जिस बंदे ने मुझे बोला मुझे बहुत कूटने वाला हूँ, उतना टाइम मेरा जाया हुआ, लेकिन हाँ अगर खाना अच्छा हुआ तो भाई घर आएंगे, दोस्तों को भी लेकर आएंगे। चलो देखते हैं, अभी ना यहाँ पे एकदम पट्टा सा कुत्ता है, पता नहीं हर जाने वाले आने जाने वाले भगवा करता रहता है, पागल सा, कोई लेना ना दे रहा, किसी ने पत्थर पड़े इंडिया में उतना मेरा था इसको पत्थर पत्थर मार रहता है इसको। बट खैर यहाँ पे जानवरों के जो हक है राइट्स हैं इंसान उनसे भी ज़्यादा है, तो उसे बेचारे इसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन घर आने जाने वाले को चल रात के 1 बजे भी निकले ना वो भैया कर चला भी चला रहा है, अभी जैसे पत्नी आके पत्नी क्या फाड़ेगा मेरी, एग्रेशन तो ऐसे दिखाते हैं जैसे पत्नी वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने जा रही है वो। अभी आएगा यहाँ पे, आज बंद कर रखा है शुक्र आ गया आ गया, इधर 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 ये देखो पागल हो जाता है ऐसी है, चाहे गाड़ी है कुछ भी है भाव भाव कर रहा है अपने फूफो की तरह, पता नहीं इसका मालिक कैसे झेलता होगा इसको, आस पड़ोस वाले से कैसे झेलते होंगे इसको। मैं अपने क्लास के आती हूँ उसमें डालते हैं।